आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे के लिए बड़ा ख़राब है। मेरा जहाँ तक सूचना है, दीपेंद्र सिंह तो इस मामले में डरा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। लोकसभा लड़ने में वो घबरा रहा है क्योंकि उसकी पहले हार हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद दोबारा भी हार हो जाए। जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, अपने गांव में अगर वो पानी ना दे सके सिंचाई का, वो किसानों का अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा नेता कहलवा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बाप बेटा उन्हीं लोगों को आगे ला रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों की नौकरियां नहीं लगी, जिनकी वजह से लोगों के काम नहीं हुए। आज वही गांव में लोग आगे आ रहे हैं कि सरकार कुछ पैसे काट रही है किसानों के, जो फसल के। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस सरकार का विरोध करेंगे और हर लेवल तक विरोध करेंगे, और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मैंने इसको ये मुद्दा उठाया था, मैं गांव-गांव में गया, मैंने देखी जहाँ फसल बेमौसमी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था वो मैंने खुद जाके देखा था, और आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से मैंने हाईलाइट कराया था। अब मेरी ये मांग है कि जिस प्रकार से पंजाब में बैसाखी से पहले बैसाखी वाले दिन लोगों को मुआवजा दे दिया, तो मेरी भी सरकार से यही आग्रह है कि वो पंजाब की तर्ज पे हरियाणा में भी मुआवजा दें। 14 मई को हम सांगी के बिल्कुल लगता हुआ गांव है जसैया, जहां का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पानी किस सिंचाई का पानी ख़त्म हो गया। तीन गांवों का सिंचाई का पानी ख़त्म हुआ है, सांगी, जसैया और खडवाली। और जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, अपने गांव में अगर वो पानी ना दे सके सिंचाई का, वो किसानों का अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा नेता कहलवा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम 14 तारीख को वहाँ सभा करेंगे। और एक और सब बड़ी बात है कि बाप बेटा उन्हीं लोगों को आगे ला रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों की नौकरियां नहीं लगी, जिनकी वजह से लोगों के काम नहीं हुए। आज वही गांव में लोग आगे आ रहे हैं, हमारा ये प्रोटेस्ट है, विरोध है। हम उन लोगों को उनकी जो काली करतूतें हैं वो उजागर करेंगे, और जिसने जो जो गलत काम किए हैं, जो इनके साथ लगे हुए हैं, बाप बेटा के साथ लगे हुए हैं, उन लोगों को हम उनकी काली करतूत लोगों तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि काम तो सिर्फ 5% लोगों के हुए हैं, 95% लोगों के तो काम ही नहीं हुए। तो उन 95% लोगों को हम इकट्ठा करेंगे ताकि वो इनका विरोध कर सकें। आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे के लिए बड़ा ख़राब है। मेरा जहाँ तक सूचना है, दीपेंद्र सिंह तो इस मामले में डरा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। लोकसभा लड़ने में वो घबरा रहा है क्योंकि उसकी पहले हार हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद दोबारा भी हार हो जाए, तो अगर दोबारा भी होगी तो उसके पॉलिटिकल फ्यूचर पे असर पड़ेगा।